सिखा दे गोदी उठा लेना माँ। आज मदर्स डे है, माँ की अहमियत को अल्फाजों में बयां करना नामुमकिन है। अपने बच्चों के लिए माताएं न जाने कितने त्याग करती हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ को बोझ समझते हैं। आगरा से एक रिपोर्ट आई, आप भी देखिए। ये है आगरा का रामलाल आश्रम। यहाँ ऐसी कई बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं जिन्हें उनके परिवार ने छोड़ दिया है। इन्हीं में से एक हैं शांति जैन, जो अपने ही परिवार की बेरुखी के चलते पिछले 2 साल से इस आश्रम में रह रही हैं। शांति देवी के 2 बेटे हैं, लेकिन अपनी माँ के लिए दोनों बेटों के घर में जगह कम पड़ गई। 2 बेटे हैं। कहाँ रहते हैं वो? सादरे में रहते हैं। दिल्ली? दिल्ली। दिल्ली सादरा? दिल्ली सादरा। अच्छा, क्या काम करते हैं वो? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का। आपको क्यों नहीं रखते हैं? जब ये चोट लगने से नहीं रखा बेटा, मैं पहले से तो मैं अपने अलग कर रहती, नहीं रखा। बेटों की बेरुखी से बेघर हो चुकी शांति देवी आगरा पहुंच गई, इस उम्मीद के साथ कि उम्र के इस पड़ाव में उनका भाई जरूर साथ देगा। लेकिन वहां भी शांति देवी के लिए जगह नहीं थी। शांति जैन अम्मा को इनकी जो है भाभी यहाँ छोड़ करके गई हैं। इनके लड़के नेहरू प्लेस दिल्ली में थोका कंप्यूटर का व्यवसाय करते हैं। अपना घर है, कोठी है, सब कुछ व्यवस्था है, परंतु रखते नहीं हैं। इनके भाई भी जो है नैमीचंद जैन आगरा खंडारी में रहते हैं, वो भी नहीं रखते हैं और इन्हें आश्रम पहुँचा दिया है। 85 साल की हो चुकी शांति देवी ने अब आश्रम की बाकी महिलाओं के साथ अपना मन लगा लिया है, लेकिन बच्चों की बेरुखी उन्हें अब भी सालती रहती है। कई महीनों से कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं? हाँ। याद आती है आपको? आती है, याद क्या करूँ यार, फोन वोन भी नहीं है, कुछ नहीं है। मुँह पर जो किसी से करवा होगा तो भैया जी के पास होगा, ऑफिस में, मेरे पास तो कुछ नहीं है। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। लेकिन मदर्स डे के मौके पर शांति देवी जैसी माँओं का जिक्र भी बेहद जरूरी है, जो किसी बेटे के हिस्से में नहीं आ पाती। आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।